नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MLM ज्ञानी ज्ञान पर एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलक्स कॉइन के बारे में। जैसा कि दोस्तों पोलक्स कॉइन में माइनिंग के फेजेस को लेकर के बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। कई लोगों को माइनिंग का फेजेस का ये सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पीछे हट जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलक्स कॉइन के माइनिंग फेजेस के बारे में पूरा डीपली, और ये वीडियो देखने के बाद आपको माइनिंग फेज क्या होता है ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे साइड में आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन अपनी खोल रखी है और यहाँ पर मैं अब वीडियो शुरू करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले मिल सके और पहले सारी जानकारी हासिल कर सके। तो दोस्तों बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम पोलक्स कॉइन के बारे में, और यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे कि माइनिंग कैसे होती है और कैसे कैसे माइनिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है, कैसे होगी, और फेजेस कितने होते हैं यहाँ पर और कितने समय के लिए फेजेस होते हैं, ये सारी बात यहाँ पे आज हम जानेंगे। और साथ में यहाँ पे कुछ और भी सवाल लेंगे, जैसे कि फेजेस कैसे बदलते हैं और फेजेस से कैसे और कितने टोकन बाहर निकलते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे जानेंगे। और साथ में आपको लास्ट में मैं ये भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि फेजेस में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हम इसी इन्हीं सारे पॉइंट्स पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर कि माइनिंग कैसे होती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, जब बिटकॉइन यहाँ पर लॉन्च किया गया था तब जो वहाँ पर जो यहाँ पे सिस्टम यूज़ किया गया था, जो ब्लॉकचेन यहाँ पे बनाई गई थी, वहाँ पे हम माइनिंग का यहाँ पर प्रोसेस दिया गया था। पर बिटकॉइन की माइनिंग के लिए इस तरीके के कुछ यहाँ पे गैजेट्स लगाए जाते थे, कुछ मशीनें यहाँ पर लगाई जाती थी और उनका एक सेटअप बिठाया जाता था इस तरीके से, जहाँ से हम बिटकॉइन की माइनिंग यहाँ पर करते थे। और यहाँ पर आज भी इस तरीके से सेटअप लगाते हैं और माइनिंग की जाती है। पर दोस्तों ये सेटअप बहुत ही कॉस्टली होते हैं और यहाँ पर 24 आवर्स का यहाँ पर पावर कंजप्शन रहता है, इनको पावर सप्लाई चाहिए होती है, तब भी यहाँ पे आपको बिटकॉइन माइनिंग करके दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉस्टली होता था, यहाँ पे पावर सप्लाई बहुत होती थी। तो इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, नया सिस्टम अपडेट किया ट्रॉन ने और यहाँ पर जो माइनिंग शुरू हुई पोलक्स कॉइन में, ये माइनिंग है, ये आपकी सिस्टमेटिक माइनिंग है, ये सर्वर्स जो ब्लॉकचेन है उसके माध्यम से हम यहाँ पे माइनिंग करेंगे और ये एक वर्चुअल माइनिंग होगी, ये आप अपने फ़ोन कंप्यूटर किसी से भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको माइनिंग करनी है, अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम वर्चुअल माइनिंग के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो उसके बाद दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको माइनिंग कैसे होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि फेजेस कितने होते हैं और कितने समय के लिए फेजेस होंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि जो पोलक्स कॉइन की जो सप्लाई है टोटल वो 5 करोड़ है, और इसमें से आपका जो 70% सप्लाई यानी कि 3.5 करोड़ टोकन जो है वो माइनिंग के थ्रू बाहर आने हैं, और ये वर्चुअल माइनिंग आपकी यहाँ पर होनी है। और उसके बाद यहाँ पर बात करें 30% जो सप्लाई है 1.5 करोड़ की, वो आपकी फ्री रिवार्ड के लिए यहाँ पर रखी गई है, ये जैसा कि मैंने आपको सारे अपने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर 35 फेज बनाए गए हैं इस माइनिंग को कंप्लीट करने के लिए, और इन फेजेस को पूरा ओपन होने में यानी कि इसके टोकन बाहर आने में 40 से 50 साल यहां पर लग जाएंगे। किस तरीके से लगेंगे ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर बात की जाए हर एक फेज़ की, अगर बात की जाए तो हर एक फेज़ में यहां पर माइनिंग यूनिट बनाई गई है, जिसे हम CMU के नाम से जानते हैं, कॉइन माइनिंग यूनिट। तो यहाँ पर 100,000 माइनिंग यूनिट यहाँ पर रखी गई हैं, और यहाँ पे हर एक यूनिट का जो प्रोसेस का टाइम है, मतलब यहाँ पे कॉइन प्रोड्यूसिंग जो टाइम है वो 1000 दिन रखा गया है। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि 3500 फेज हैं, उसमें 100,000 यूनिट यहाँ पर रखी गई हैं, और हर यूनिट का जो टाइम पीरियड है वो 1000 दिन का है। और साथ में क्या है, हर एक फेज़ में टोकन कितने बाहर आएंगे उनकी भी क्वांटिटी यहाँ पर सेम यहाँ पे फिक्स करके रखी गई है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहले 5 फेज हैं वहाँ पे 2,000,000 टोकन को बाहर निकाला जाएगा, और अगले 5 फेजों में 15, उसके अगले 10, फिर 5, फिर इस तरीके से क्वांटिटी यहाँ पर कम होती जाएगी, और इनको बाहर आने के लिए यहाँ पर पूरा लगभग यहाँ पर 40 साल के आसपास का टाइम यहाँ पर लग जाएगा। तो फेजेस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि फेजेस किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से डिवाइड
किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि फेजेस बदलते कैसे हैं, क्योंकि जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 1000 दिन मैंने अभी आपको बताया और 1000 दिन को पूरे होने में लगभग यहाँ पर 2.5 साल या लगभग 3 साल लगते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है आज की डेट में चौथा फेज स्टार्ट हुआ है, वो कैसे स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फेजेस कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे मैंने अभी आपको बताया 35 फेज हैं जिनको आने में 40 से 50 साल लगेंगे और हर एक फेज में 1 लाख माइनिंग यूनिट यहाँ पर रखी गई है, CMU यहाँ पर रखा गया है और हर एक CMU का जो टाइम पीरियड है वो 1000 दिन का है। तो हम फेज कैसे यहाँ पे बदल रहे हैं, कैसे यहाँ पे फेज बदलते हैं, तो उसके लिए जैसे बात कर लेते हैं फर्स्ट फेज है उसमें 1 लाख माइनिंग यूनिट यहाँ पर रखी गई है। तो इन माइनिंग यूनिट को यहाँ पर सेल आउट किया जाता है और जैसे ये सारी यूनिट सोल्ड आउट हो जाती हैं आपका यहाँ पर नया फेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब सेकेंड फेज जैसे शुरू हो गया उसमें 1 लाख यूनिट थी, वो सारी यूनिट सोल्ड आउट हो गई, उसके बाद यहाँ पर थर्ड फेज शुरू हो गया। अब आज की डेट में आज सुबह तक यहाँ पर जैसा कि मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ आज सुबह यहाँ पर 9 बजे तक यहाँ पर थर्ड फेज की जो 1 लाख यूनिट थी ये भी सारी सोल्ड आउट हो गई और अब यहाँ पर फोर्थ फेज शुरू हो गया। तो दोस्तों फेज शुरू होने के लिए यहाँ पर आपके जो 1 लाख यूनिट हर फेज में रखी गई हैं उनको जब जैसे ही वो सेल आउट हो जाती हैं सारी सब खत्म हो जाती हैं तो वहाँ पर नया फेज स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर फेजेस बदलते हैं। आगे कुछ बात करेंगे हम इसके बारे में कि फेजेस बदलना आपको समझ में आ गया कि फेजेस कैसे बदलते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कि फेजेस से कैसे और कितने टोकन बाहर आते हैं, मतलब एक फेज जो बनाया गया है या जो 35 फेज हैं इनसे टोकन किस तरीके से बाहर आएंगे, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है हर एक फेज में 1 लाख CMU बनाया गया है और 1000 दिन का उनका टाइम पीरियड होता है, तो इसी तरीके से एक CMU जो होता है वो 0.02 टोकन पर डे प्रोड्यूस करता है 1000 दिन तक। ये दोस्तों बात कर रहा हूं मैं ये पहले 5 फेजेस में जहां पर 20 टोकन यहां पे आने हैं, 20 लाख टोकन जो बाहर आने हैं, तो उस फेज की बात की जाए तो यहां पर एक CMU की वैल्यू जो रहेगी पर डे की वो 0.02 टोकन प्रोड्यूस करने की रहती है। जिस तरीके से देखा जाए वो 1000 दिन में 20 टोकन प्रोड्यूस करती है और एक अगर देखा जाए तो 1 लाख यूनिट जो है वो आपका 20 लाख टोकन यहां पर प्रोड्यूस करेंगी। तो इस तरीके जैसे कि मैंने आपको बताया पहले 5 फेजेस में 20 लाख टोकन आना है, तो यहां पर इस तरीके से ये टोकन यहां पर प्रोड्यूस होते हैं। दोस्तों आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये PDF आप मुझसे मांग सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पहले 5 फेज होंगे वहाँ पर यही कैलकुलेशन चलती रहेगी कि एक यूनिट जो होगी वो 0.02 टोकन पर डे प्रोड्यूस करेगी। अब प्राइसेस क्या होंगे उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो एक ये हो गया पहले 5 फेज तक। इसी तरीके से अगले फेज की अगर बात की जाए, अगले 5 फेजों की बात की जाए 6 से 10 तक, तो यहाँ पर उस टाइम टोकन 15 लाख बाहर आने हैं, तो यहाँ पर जो एक यूनिट होगी वो 0.015 टोकन यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी पर डे और 1000 दिन में अगर देखा जाए तो 15 टोकन प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से वहां पर 15 टोकन बनेंगे और जो 1 लाख माइनिंग यूनिट वहां पे होंगी वो आपको 15 लाख टोकन प्रोड्यूस करके देंगी और ये सिस्टम जो है अगली 6 से 10 तक यहां पर फेजेस में इसी तरीके का यूनिट रहेगा। तो अगले उसके बाद जो फेजेस आएंगे वहाँ पर फिर ऐसे ही कैलकुलेशन करके यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉइन प्रोड्यूसिंग जो पावर है पर डे की वो हल्के हल्के रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी और फेजेस आगे बदलते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फेजेस समझ में आ गए होंगे, कितने टोकन यहाँ पे निकलने हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फेजेस में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं और कैसे अर्निंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है मैं बार बार यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि हर एक फेज में 1 लाख माइनिंग यूनिट होती हैं और हर एक यूनिट का जो टाइम पीरियड होता है वो 1000 डेज का होता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज यहाँ पर स्टार्ट हुआ था वहाँ पर जो 1 CMU था उसका जो प्राइस था $5 रखा गया था, यानी कि अगर INR में बात की जाए तो लगभग 400 रुपये के आसपास वहाँ पर था। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एक यूनिट जो होती है वो पर डे 0.02 टोकन बना रही है और 1000 दिन तक बनाएगी, तो आपको यहाँ 1000 दिन में 20 टोकन मिलेंगे एक यूनिट से। 1 लाख यूनिट होती है टोटल, अगर एक यूनिट की बात की जाए तो एक यूनिट आपको 20 टोकन बना के देगी 1000 दिन में। और अगर एवरेज प्राइस निकाला जाए इन 20 टोकन का 1000 दिन के हिसाब से, तो यहाँ पर आपका जो प्राइस पड़ेगा पर टोकन का $0.25 यानी कि 25 सेंट्स यहाँ पे आपका इसका प्राइस होगा। जो INR में बात करें तो 20 रुपये का यहाँ पर प्राइस
था। ये फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं क्योंकि ख़त्म हो चुका है, मैंने जैसा बताया अभी फोर्थ फेज चल रहा है। अभी फोर्थ फेज में क्या प्राइस आया ये भी सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका 20 रुपये का पर टोकन पड़ता था। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर इन्वेस्ट करता है और 100 माइनिंग यूनिट बाई करता है तो उसको जो 100 माइनिंग यूनिट है वो $5 पर यूनिट के हिसाब से उसको $500 की पड़ेंगी पड़ती थी, यानी कि उसको ₹40,000 में 100 यूनिट्स वहाँ पर मिल जाती थी। और उसको डेली का वहाँ पर कितना टोकन प्रोड्यूस होता था, 0.021 करता है तो 100 यूनिट यहाँ पे दो टोकन उसको प्रोड्यूस करके डेली का दे रही हैं जिन्होंने यहाँ पर पहले फेज में माइनिंग बाई करी। और ये अगले 1000 दिन तक उनके पास इसी तरीके से टोकन आते रहेंगे। और अगर पर टोकन के प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो उनको पर डे दो टोकन 20 रुपये के हिसाब से यानी कि ₹40 के टोकन उनको आ रहे हैं और जिनको बुक करंट प्राइस में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे कुछ लोग यहां पर करंट प्राइस में बहुत सस्ता सस्ता टोकन बेच देते हैं, तो वजह उनकी वही है क्योंकि उनके पास 20 रुपये का टोकन है, वो अपना 300-400 में भी बेच के यहां पर खुश हो जाते हैं तो यहां पर वो बेच देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट फेज में जिसने इसमें इन्वेस्ट किया वो आज की डेट में लाखों रुपए यहाँ पर अर्न कर रहा है। अब बात करते हैं हम इसकी तरह से सेकंड फेज की बात कर लेते हैं। अगर सेकंड फेज की बात की जाए तो यहाँ पर सेकंड फेज में भी CMO का जो प्राइस था वो 5 से बढ़कर के 10 हो गया था, ₹800 हो गया था। टोकन पर डे उतने ही निकल रहे थे जितना कि फर्स्ट फेज में निकल रहे थे क्योंकि पहले 5 फेजेस में हर यूनिट जो है वो टोकन उतने ही बनाएगी। तो यहाँ पर अगर एवरेज प्राइस निकाला जाए तो वहाँ पर आपका ₹20 पड़ रहा था, यहाँ पर आपका 50 सेंट्स यानी कि ₹40 के आसपास पड़ता है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए यहाँ पर अगर 100 यूनिट कोई बाइक करता है तो उसको यहाँ पर $10 के हिसाब से $1,000 की पड़ी थी, यानी कि ₹80,000 में उसको यहाँ पर 100 यूनिट्स मिल जाती थी और टोकन उसका वही पर डे दो टोकन उसको मिलते थे जो कि पर डे के हिसाब से देखें तो ₹80 के टोकन उसको आते थे और करंट प्राइस में वो उनको सेल यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर भी जिनने इन्वेस्ट किया, जिन्हों लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया था, माइनिंग यूनिट बाई कर ली थी, वो भी आज के डेट में लाखों अर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों थर्ड फेज की बात करें जो कि अभी अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ है, आज सुबह 9 बजे यहाँ पे जब ख़त्म हुआ है थर्ड फेज की लास्ट यूनिट जो बिकी है, तो उसके बाद जो थर्ड फेज यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो प्राइस था वो $25 था एक यूनिट का। टोकन प्रोड्यूस होने का सिस्टम वही था, 20 टोकन 1000 दिन में बनते थे एक यूनिट से, तो जो भी यहाँ पर करता था उसको अगर पर डे का पर टोकन का हिसाब निकाला जाए तो $1.25 यानी कि लगभग ₹100 का एक टोकन उसको पड़ता था। एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने 100 यूनिट यहाँ पर बाई करी, उसको यहाँ पर $25 के हिसाब से उसको $2,500 पेड किए और यानी कि ₹100,000 में उसको यहाँ पर 100 यूनिट मिलती थी। तो डिफरेंसेस दोस्तों आप समझ सकते हैं, पहले फेज में ₹40,000 मिलती थी, दूसरे फेज में ₹80,000 में 100 यूनिट थी और तीसरे फेज में ₹100,000 की यहाँ पर 100 यूनिट्स आपकी यहाँ पर थी। उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए टोकन की तो यहाँ भी उसको दो टोकन पर डे आ रहा था और प्राइसेस की बात करें डेली उसको दो टोकन ₹100 के हिसाब से ₹200 के आते हैं और वो करंट प्राइस में उसको सेल कर सकता है। जैसे कि ₹200 का भी टोकन उसको पड़ा है पर डे के हिसाब से और आज करंट प्राइस अगर 450 चल रहा है तो वो उसको 450 में सेल कर सकता है। तो इस तरीके से थर्ड फेज में जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया बहुत बढ़िया रहा और वो आगे चल के यहाँ पर लाखों की अर्निंग करेंगे। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे आज फोर्थ फेज शुरू हुआ है उसमें कहानी बहुत बड़ी चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, जो फोर्थ फेज आज से शुरू हुआ है वहाँ पर एक माइनिंग यूनिट का जो प्राइस है वो $125 यानी कि ₹10,000 के आसपास का हो गया है। 125 यानी कि सीधा 5 गुना यहाँ पर प्राइस बढ़ा है और यहाँ पर भी टोकन आपको सेम वही मिलेंगे एक यूनिट से 1000 दिन में। प्राइस निकालें एवरेज तो यहाँ पर $6.25 यानी कि लगभग ₹500 का एक टोकन यहाँ पे आपको पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस हुआ, फर्स्ट फेज में ₹20 का टोकन पड़ रहा था, सेकंड में 40, थर्ड में ₹100 का और आज यहां पर 500 का ये प्राइस हो गया है, 500 का यहां पर एक टोकन का प्राइस इनको पड़ेगा। एवरेज निकालते हैं, एग्जांपल के तौर पे यहां पर समझाता हूं आपको कि अगर आज
फोर्थ फेज में कोई 100 यूनिट बाई करना चाहता है तो 125 के हिसाब से उसको $12,500 पेड करने होंगे, यानी कि 10 लाख रुपए के आसपास उसको पेड करने होंगे। टोकन वही दो उसको पर डे टोकन यहाँ पर आएगा अगले 1000 दिन तक, और यहाँ पर जो अर्निंग उसकी हो सकती है वो 500 रुपए के हिसाब से टोकन उसको आएंगे डेली के दो। अगर 10 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करता है और उसको जो 1000 रुपए के टोकन पर डे पड़े तो वो आगे चल के उसको यहाँ पर जो भी करंट प्राइस होगा उसमें वो सेल कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर फोर्थ फेज शुरू हो गया है, और अगर फोर्थ फेज में भी दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं तब भी यहाँ पे आप एक अच्छा सा रेवेन्यू अच्छी सी इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत यहाँ पर प्राइस आने को बाकी है। तो दोस्तों कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हम फोर्थ फेज में तो कुछ ना कुछ यहाँ पर माइनिंग्स जरूर बाइक करें। और आपको आज के इस वीडियो में पूरा कुछ यहाँ पर मेरे ख्याल से उम्मीद है माइनिंग समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी किसी भी क्यूरी का आप यहाँ पर समाधान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आगे में वीडियो में मैं आपको और फेजेस के बारे में और थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर फेजेस बदलते हैं, किस तरीके से टोकन बाहर आते हैं और क्यों टोकन यहाँ पे फेजेस जल्दी ख़त्म हो जाएंगे क्या, इस सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में देता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और अपनी टीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि आपकी टीम भी सारी जानकारी हासिल कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।